नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। कंपनी का नाम है कोहिनूर फूड्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 36 रुपये के आसपास। अब तक की जो रिटर्न है 52% की रिटर्न दे। तो कोहिनूर फूड्स के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो भी न्यूज़ है यहाँ पे पूरे डिटेल में उसका स्टडी करने वाले, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टडी जरूर कीजिए, उसके बाद बाय सेल और होल्ड का फैसला आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि जो कोहिनूर फूड्स कौन से सेक्टर में कंपनी काम करते, फूड सेक्टर में कंपनी काम करते, जैसे कि जो राइस है इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का कंपनी काम करते, और इनका जो मेन बिजनेस है लगभग यहाँ पे 65 कंट्रीज में फैला है। तो बोल सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस है। और आपने बीच में देखा था कि जो राइस के प्राइस कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे हम लोग बाहर राइस एक्सपोर्ट करे थे इसके ऊपर बैन लाया था, इसके वजह से बीच में जो राइस के जो भी दाम थे थोड़ी बहुत गिरे थे। लेकिन इसका जो फायदा हमेशा कस्टमर को होता है, जब भी कस्टमर हैप्पी होता है तो कंपनी नाराज होती है, क्योंकि अगर कस्टमर को हैप्पी करना है तो प्राइस यहाँ पे कम करना पड़ता है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहता है उसमें गिरावट होती है। तो वापस एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है कोहिनूर फूड्स के लिए। तो जैसे कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल रहता है, अगर कोई भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन सप्लाई यहाँ पे बढ़ता है तो उस प्राइसेस गिर जाते हैं। तो यहाँ पे अभी वापस से जो राइस के प्राइसेस है यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, इंडिया टू एक्सपोर्ट राइस टू मॉरिशस एंड भूटान इन एक्सेप्शनल फॉर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आने वाले समय में जो इंडिया है लगभग 14,000 टन्स का यहाँ पे नॉन बासमती राइस यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले मॉरिशस को, और लगभग 79,000 टन्स जो है भूटान को यहाँ पे हम लोग राइस एक्सपोर्ट करने वाले। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कंपनी के आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट रहेंगे उसमें थोड़ी बहुत जम दिखने के चांसेस है। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है माल को तो उनका नेट प्रॉफिट बढ़ता है। अगर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा छोटी कंपनी का तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ये तो था आज का वीडियो यहाँ पे जो भी कंपनी है कोहिनूर फूड्स के लिए। तो आने वाले समय में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 100 रुपये के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा था जो भी कोहिनूर फूड्स है बीच में 100 रुपये के आसपास गया था, वापस से कंपनी के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के रिजल्ट खराब आए थे, इसके से स्टॉक लगातार गिर रहा था। अगर यहाँ पे वापस से कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे आते तो स्टॉक जो है बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन रिस्क है कि कंपनी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप कैटेगरी में आते, जो भी माइक्रो कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी रहते उसमें अप एंड डाउन बहुत ही ज़्यादा रहते। जब मार्केट अच्छा रहता है तो लगातार रॉकेट बनते, अगर एक भी खराब नहीं जाते तो उसी रेंज में गिरना स्टार्ट होता है। तो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो सेम रहते हैं छोटी कंपनी के लिए। तो कभी भी जो पैसा लगाते हैं लार्ज कैप में ज़्यादा लगाना चाहिए, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसके बाद कुछ पैसा बचता है यहाँ पे माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक में लगा के चलना चाहिए। ये तो था आज का वीडियो यहाँ पे कोहिनूर फूड्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।